कि हमारा भाई असलफ पे काम कर रहे हैं, इससे पूछते हैं कि ये किस चीज़ का सल्फ है और ये क्या क्या काम कर सकते हैं और इसके कनेक्शन क्या है। भाई आप इसका थोड़ा बताएंगे हमें? सर ये जो सल्फ है ये मर्सिडीज़ का है, इसके अलावा वाल्वो जनरेटर में भी लगता है। ठीक है, इसमें जो मसला आ रहा है ये अभी स्टार्टिंग नहीं कर रहा, खाली कोयलेंस के काम कर रही हैं लेकिन ये मोटर नहीं बना रहा। ठीक है, अभी हम पहले आपको उसके कनेक्शन के बारे में बताएंगे। जी आप इसके बारे में बता दें। ये जो है ये इसकी मेन सप्लाई है जो बैटरी से आ रही है जी। और ये बाटी अर्थ है, इसके साथ ये एक स्टार्टिंग की तार है। अब इसमें दो कोयलें लगी होती हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। अच्छा, दो कोयलें होती हैं। सही है, अगर इसमें किसी चीज़ में मसला आएगा तो दोनों कोयलें काम नहीं करेंगे। ठीक है, अब इसके जो कनेक्शन है ये स्टार्टिंग की तार है, इसे एक जो प्राइमरी कोयल में जा रही है और इसे एक सेकेंडरी कोयल में जा रही है जी। और एक सेकेंडरी कोयल में से जो है ये नेगेटिव की तार के साथ लगेगी। मतलब यहाँ पे दो तारें आ रही हैं, एक यहाँ आ रही है हमारे स्टार्टर की तरफ और एक कार्बन जो नेगेटिव की है। अच्छा, नेगेटिव की मतलब अर्थ, अर्थ की। और एक इसमें से जो है ऊपर की तरफ तार लगेगी, ये पॉजिटिव कार्बन के साथ आग लगेगी। अच्छा, ये कहाँ लगी हुई है? ये हमारी यहाँ से ऊपर। और एक यहाँ से इसी के नीचे सेम तार है, वो जो इसके नीचे बॉडी उसके अंदर जा रही है। एक मिनट, कैसा है? इस तार का बता रहे थे, ये तार क्या काम करती है? और ये जो तार है ना इसकी दूसरी, ये भी नीचे जो वाइंडिंग है ना इसी के पॉइंट के साथ लगती है। अच्छा, इसकी वाइंडिंग के पॉइंट के साथ। ठीक है, और इसके साथ यहाँ से भी दो तारें निकलती हैं, एक नरम होती है और एक हार्ड होती है। तो इसकी निशानी एक नरम वाली है ना, वो आपने जो प्राइमरी कोयल है इसके साथ लगा देंगे। ठीक है, और इसमें जो दो हार्ड वाली तार है ये वाली, इसको निकाल के ये जो नीचे है ना नेगेटिव वाला जी, ये पॉजिटिव वाला जो एसी के साथ लगा देंगे, पॉजिटिव के साथ। ठीक है, और हमारी ये वाली कोयल क्या काम करती है? ये वाली काम जो दो काम करती है, एक तो ये इसमें सप्लाई करती है जो इसकी मोटर बनाती है, और दूसरे नंबर पे इसका जो है क्लच बनाती है। देखें इसको इस तरह नीचे, एक मिनट, जब इस मैग्नेट बनता है तो ये गाड़ी को नीचे की तरफ पुशिंग करता है। ठीक है, ये दो काम करती है। ठीक है, अच्छा इसकी ये टोटल कितनी वायर आ रही है इसकी? अभी जो इसकी अपनी ज़ाती तार है ना वो पाँच है, इसमें दो इस तरफ लगी हुई हैं जी और दो इस तरफ लगी हुई हैं, चार हैं और एक ये वाली तार है। ये तार है, ये पाँच। अच्छा, इनमें से जो ये आ रही है तार जी, ये यहाँ नेगेटिव पे आ रही है? नहीं, ये जो है ना जो वाइंडिंग नीचे ना उसकी तरफ जा रही है। अच्छा, वाइंडिंग की तरफ जा रही है। जब ये चीज़ क्लच काम करता है ना तो इसी के साथ ये चीज़ पुश होती है। ठीक है, ये पुश होने के साथ फिर इसमें जो सप्लाई जाती है वो इस नीचे चले जाती है। ठीक है, वाइंडिंग में चली जाए, और जो उस तरफ वाली है वो हमारी नीचे कार्बन पे आ जाती है। हाँ, जो कार्बन है इसके, इसमें चार कार्बन लगे हैं, दो नेगेटिव के हैं और दो पॉजिटिव के हैं। ठीक है, सही है। जब इसमें से आता है तो फिर ये यहाँ से एक पॉजिटिव का करंट इसमें पहुँच जाता है। ठीक है, एक पॉजिटिव इस तरह से जा रहा है और एक ये यहाँ से आ रहा है। अब आप इसके ऊपर क्या काम कर रहे हैं वैसे? अभी सबसे पहले तो मैं इसके ये कनेक्शन सारे लूप करूँगा, फिर इसके कोयलें दोनों खोलूँगा, फिर ये स्टेप बाय स्टेप पूरा सलफ है ना मैं आपके सामने खोलूँगा, इसके अंदर जो जो चीज़ें हैं मैं आपको बताऊँगा, और इसके अंदर बुश, इसका रूटर, जो चीज़ें चीज़ें इसमें आती है ना वो सारी आपको। ठीक है, आप शुरू करें। अभी जो है ना इसके सारे जो नट बोल्ट हैं वो स्टेप बाय स्टेप खोल लेने, सबसे पहले इसके जो कनेक्शन है आप इसको हाथ से रिमूव कर लें, जो हाथ से चीज़ें रिमूव कर लें, ये चीज़ हो गई, ये वाली तारें हो गई, या आप हाथ से इसकी रिमूव कर सकते हैं ये वाली तार। अच्छा, ये कोई आम बंदा खोले तो उसे तो ये हर चीज़ याद रखनी पड़ती हो, मतलब पड़ेगी? नहीं, ये जो वीडियो हम बना रहे हैं इसलिए बना रहे हैं तो आपके किसी बंदे के लिए कोई मुश्किल ना हो, लेके आप पैसा परचेज कर सकते हैं। क्यों, इतनी सारी तारें इसमें कोई एक भी गलत लग गई तो? हाँ, इसमें अगर तारें उल्टी लगेंगी तो इसमें यह है कि इसके कोयल का जलने का खतरा होता है, और दूसरे नंबर पे यह सलफ काम नहीं करेगा, खाली कोयले वर्किंग करेंगे, इसमें मोटर नहीं बनेगी, सलफ घूमेगा नहीं आपको। इसकी जो तार जिधर से उतारनी है उधर ही लगानी है, और दूसरे नंबर पे जो तारें लगानी है वो उसमें लूज़ नहीं कोई छोड़नी, कोई लूज़ कनेक्शन ना हो। लूज कनेक्शन ये होगा, आप इसको स्टार्ट करेंगे, स्पार्क करेगा कोई चीज़ इसकी जल जाएगी, क्योंकि ये तांबे के बने होते हैं पॉइंट, आप जैसे थोड़ा गलत स्पार्क लगेगा तो ये मेल्ट हो जाएंगे, फिर पॉइंट आते हैं। इसको स्टेप बाय स्टेप खोलना पड़ता है जी, कि पहले प्राइमरी कोयल है,
कोशिश करें कि सबसे पहले इसी को रिमूव कर लें कि सारे कनेक्शन, फिर दूसरे वाली आसानी से खुल जाती है। अभी हमने इसकी जो सेकेंडरी कोयल है इसको ओपन कर ली है। इसमें एक ही वायर लगी हुई है, इसमें एक ही वायर होती है, एक वायर यहाँ से लगती है और एक वायर जो सेकेंडरी कोयल से आती है वो इस तरफ लगती है। ठीक है, अभी ये दूसरी कोयल के सेकेंडरी के कनेक्शन है, एक तो ये इधर स्टार्टिंग के साथ लग जाएगी और दूसरी जो है नीचे जो है पॉजिटिव नेगेटिव वाला जो है कार्बनिक इसके साथ लगेगी। अभी इसको हमने रिमूव कर लिया है, ये इसको यहाँ से खोल लेते हैं जैसे किसके साथ लगी होती है। एक तार जो है ये वाली इस कॉइल के ऊपर लगेगी और ये एक तार जो है इस तरफ लगी हुई है पॉजिटिव के साथ, इसको भी हम खोल लेते हैं यहाँ से। बस कनेक्शन इसके सारे जो जितने भी बोल्ट लगे हैं सारे सही प्रॉपर टाइट होने चाहिए, यहाँ जो वाले बोल्ट भी टाइट होने चाहिए ये वाले, तो आगे ये पूरी कॉइल इस तरह वाइब्रेशन ना करें, क्योंकि जो इसका अर्थ है पूरा बॉडी के थ्रू के जरिए आता है। अच्छा, ये दोनों तारें आपस में जो जा रही हैं इनका तो चलो कलर का फ़र्क है, कलर का इनका तो कोई कलर का फ़र्क नहीं है, तो इसमें आपको कैसे पता चलता है कि ये तार यहाँ में आप बस ये चीज़ रखें, इसमें जो नरम तार है देखें ये बिल्कुल नरम है और ये एक हार्ड तार है। बस आप जो कार को ये देखें मोटी तार है हार्ड भी है, आप ये पॉजिटिव किए हमें लोड हैवी तार है इसलिए बस ये नीचे जा रही है, आप इसकी ये निशानी रख लें। अच्छा, ये वाली कौन सी कोयल है, वो अपना कौन से उस पर लगा हुआ है मैगनेट पर? ये जो है पॉजिटिव वाले के ऊपर लगा हुआ है, पॉजिटिव वाला है कार्बन, इसके साथ किसी किस्म का कोई कनेक्शन लगा हुआ है, किसी कोयल से कोई तार नहीं है कि ये डायरेक्ट बॉडी के साथ कनेक्ट है। ठीक है, मतलब इसका अर्थ मिल रहा है इसे, इसको अर्थ बस ये जो है नीचे जो है ना रूटर है इसको अर्थ देने के लिए। और इसका टूल अपना रखा हुआ है आपने, मतलब हर नट के ऊपर उसका प्रॉपर टूल लगाना है, स्लिप हो जाएगा फिर ये मसला करेगा। ये देखें ये चीज़ें लाजमी आपने टाइट रखनी है। अब ये पूरी कॉइल खुल चुकी है, अब इसको ठीक है, ये इसकी सेकेंडरी कॉइल है, देखने में सही है लेकिन जो है इसमें इस कॉइल में मसला आ रहा था, इसको सप्लाई प्रॉपर नहीं दे रही। अब खोलने के बाद इसके ऊपर ये चार जो 10 के नट लगे हुए हैं, इन नटों को खोल लें फिर ये चीज़ ऊपर उठ जाएगी। अच्छा सर, अब जब इस कोयल में जब मसला है तो फिर आप उसको क्यों खोल रहे हो सारे को? असल में अब जब खोला है तो फिर सारे को खोल लेते हैं, इससे ये होगा कि इसके जो बुश लगे हैं एक ऊपर लगा होता है एक नीचे लगा, इसके बुश भी चेक हो जाएंगे और इसके अंदर जो रूटर है वो भी देख लेंगे कहीं से शार्ट तो नहीं है, तो ये चीज़ें चेक हो जाती हैं, फिर प्रॉपर ग्रीस हो गया फिर प्रॉपर काम हो जाता है, कोई मसला और भी हो तो फिर नज़र आ जाता है। अच्छा, मतलब थोड़े से भी काम के लिए खुले तो फिर इसको सारा फिर ये सारा आप बेहतर है इसको खोल लें, इसको चेक कर लें, बाकी किसी चीज़ में कोई मसला तो नहीं है। जो इसको निकालने का तरीका है, आप इसको अलग नहीं निकालें, इस पूरे को यहाँ से पकड़ कर ऊपर उठा लें, इसको निकालने का तरीका है। अभी आप इसमें देखें ज़रा
देखें इसमें और भी मसला है जी, ये इसमें होल है, ये सारा कहीं से टकराया और देखें सारी ये यहाँ से बॉडी है ना इसकी ख़राब हो गई जी, ये इसकी ख़राब हो गई, मतलब इसका ये जो आर्मेचर है ये भी ख़राब है, मतलब ये जैसा ऊपर है वैसे ही नीचे भी होता है। हाँ बिल्कुल ऐसे साफ़ होना चाहिए, देखें ये चीज़ें अपनी जगह हल गई हैं सारी, देख रहे हैं ये आपस में यहाँ से मिल भी रही हैं। अच्छा मतलब अब वो जो कोयल का मसला था तो वो कोयल का मसला बाद में हुआ, पहले मसला इसका हुआ, ऐसी मसला है इसमें, अगर ये ख़राब हो तो इसमें ये चीज़ें भी ख़राब होती हैं, लेकिन ये कहीं फंसा नहीं है जिसकी वजह से ये चीज़ें सही हैं, लेकिन यहाँ से कहीं ये किसी टकराने की वजह से इसी वजह से लोड पड़ा होगा उस कोयल पर और वो जल गई होगी, सारा इसका मसला था। अच्छा ये इसके कार्बन ऐसी बीच में रहने देती है या नहीं, आप निकाल भी लें कोई मसला नहीं, अगर ऐसे भी रहने दें, जब दोबारा लगाने को तो आपको ये बाहर निकालने पड़ेंगे, तो बस आने यहाँ से पकड़ें उसका से पीछे चारों। अच्छा अभी हमने इसे ऐसे लगा दिया है, अभी ना इसका बुश का मसला भी लग रहा है, देखें इसमें इतनी प्ले ज़्यादा जो प्ले होती है ना इसमें प्ले नहीं होनी चाहिए, देखें ठीक है देख रहे हैं इसमें प्ले नहीं होनी, अभी हम इसको खोलते हैं फिर इसमें देखते हैं मसला क्या है। तो ये जैसे पहले पड़ा था वैसे नहीं खुल सकता था? नहीं ऐसे नहीं है, इसको ये पकड़ना पड़ता है, इसको पकड़ के इसके जो बैंडेज है इसको पकड़ेंगे फिर ये नट खुलेगा, वरना ये घूमता रहेगा साथ। 17 नंबर का रिंग स्पैनर लें और इसके साथ इसको ये खोलें, इसको थोड़ा लूज कर लें फिर पीछे से इसको दबा दें हाथ से। अच्छा ये कहाँ से दबता है, एक मिनट रुकना, यहाँ से हाथ डाल के जी थोड़ा पुश कर लें फिर आपका ये नट आसानी से खुल जाएगा। यहाँ से पकड़ें और पूरे का से बाहर निकालें। वाह क्या बात है, इसमें एक चीज़ सीखने को मिली है कि जो चीज़ हमने आखिर में खोली है वो सबसे पहले लगेगी, और जो सबसे पहले खोली है वो सबसे आखिर में। ये इसके अंदर बुश लगा हुआ है। अच्छा ये इसके बारे में बता दें कि ये तीन बड़ी हैं एक छोटी थी, ये जो छोटी है ना ये जो सिलाई है, हाँ ये जो सबसे छोटी वाली है ये आएगी जो आपकी कोयल लगती है उस तरफ लगेगी, ये किस्म की इसकी निशानी है, इसकी आप बेहतर है कि जगह पे मार्क लगा लें, जैसे यहाँ पे मार्क पहले से लगा हुआ है जी, आप अगर उल्टी लगाएंगे तो फिर इसकी जो फिटिंग है आप जब गाड़ी में इसको फिट करेंगे तो ये अपनी पोजीशन पे नहीं आएगी, ये हमारे गाड़ी के फ्रेम के हिसाब से ये दिया हुआ है, ये उल्टा हो जाएगा फिर आपके कनेक्शन लगेंगे जहाँ के पीछे चला जाएगा, ठीक बेहतर है आप पहले इसको निशान लगा लें। अच्छा तो ये इसी एक नट के मतलब इसी सिलाई के ऊपर इसका पूरा नक्शा बना हुआ होता है, मतलब इसी के अगर ये आपने गलत लगा दिया तो आपके सल्फ का नक्शा चेंज हो जाएगा, मतलब उसकी डायरेक्शन। इसके अंदर वाला बुश भी जो है ये भी फ्री हो गया हुआ है, ये चीज़ भी इसकी टूट गई हुई है, अब इसका बैरिंग भी नया डलेगा और ये बुश भी नहीं तेल से लगेगा, बुश भी और ये बुश निकलना चाहिए, ये अपनी जगह पे इसको फिक्स होना चाहिए, इसके अंदर ना ये बाहर नहीं आना चाहिए, यहाँ ये फ्री है साथ ही घूम जाता है, अभी आपके हाथ से निकला है, वैसे हाथ से नहीं निकलना, ये निकलना ही चाहिए।